नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी क्रम में हम निकले हैं चुनावी यात्रा पर। आज हम उधम सिंह नगर जिले जो पड़ता है उसके जसपुर विधानसभा सीट में है और गांव पड़ता है अंगदपुर। आज हम किसानों के बीच हैं, यहाँ ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, तो किसानों से जानेंगे कि क्या कुछ उनके बीच में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र सिंह। सर, चुनाव को लेकर क्या कुछ है आपके मन में? मैं तो कुछ बाद में किसी बारे में बता नहीं। अच्छा, हाँ तो ठीक है, इससे कोई फायदा तो है नहीं बीजेपी से। अच्छा। बीजेपी को वोट में दूंगा नहीं। अच्छा। मेरे बहुत वो है, इसका कोई वो नहीं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। अच्छा। मैं हमेशा जो है बीजेपी को वोट देता आया हूँ। अच्छा। लेकिन अब आगे नहीं दूंगा। सर, क्या कारण हो गया नाराजगी का? नाराजगी, इन्होंने किसानों की सुनी नहीं, किसानों का दम निकाल दिया इन्होंने। फसल का रेट नहीं मिलता, गन्ने का रेट नहीं मिलता, और अब 3 कानून ऐसे इन्होंने कर दिए कि वो सारे बेकार ही हैं। किसानों का मतलब का कुछ है ही नहीं उसमें, किसान उसमें बर्बादी है। इसलिए अब इसे हम वोट नहीं देंगे। अब तक ये सरकार हमने बनाई, अब आगे वोट नहीं देंगे इसे। जैसे सर ने भी कहा कि किसान की सरकार नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, किसानों की सरकार नहीं है ये तो बस लूट खसोट कर रही है देश को। सब चीज़ ठेके पर रखना चाह रही, किसान को बेकार करना चाह रही। अब किसान का धान आ रहा मुश्किल से लेगी, पेमेंट मिल जाएगी ढंग से, इसलिए बेकार है भाजपा की सरकार। बस जैसा कि कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पर, वो किसान नहीं है, किसान तो अपने खेत में है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? ऐसा है, किसान इतने हैं, अगर सारे बॉर्डर पर चले गए तो फिर ये लोग भागना मजबूर हो जाएंगे, सरकार भी नहीं चल पाएगी, इतना परेशान हो जाएंगे, इनको ये नहीं पता चलेगा कहाँ से भागे कहाँ से निकले। इसलिए कुछ खेती कर रहे हैं, कुछ वहाँ जा रहे हैं, इनको समझ लेना चाहिए, ये बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। सर, यूपी में जैसे गन्ने पे जो है 25 रुपये बढ़ा दिए चुनाव आते आते, अभी उत्तराखंड में तो देखते हैं, तो क्या लगता है ये कैसे, मतलब आप एक किसान हैं तो क्या कैसे देखते हैं आप सरकार किस तरह? ये सरकार धोखा दे रही है सभी को। बॉर्डर पे वहाँ इतने लोग मर गए हैं, किसी की नहीं सुन रही है सरकार। बेचारे भूखे प्यासे वहाँ पड़े रहते हैं, कोई सुन नहीं रहा क्या कह रहा है। किसान मजदूरी भी ले आते हैं यहाँ, वैसे हंगामा कर रहे हैं। सर, आपके पास आना चाहूँगी, क्या लगता है क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, बीजेपी आई तो कुछ नहीं होगा। सब लूटे रहे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही, बैठे हैं वो जबरदस्ती से कर रहे हैं, कोई किसी की सुनाई नहीं, किसी कुछ नहीं हो रहा। हम शुरू से बीजेपी को वोट देते रहे, पूरा हमारा गाँव पीछे बीजेपी का था, लेकिन अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम, कांग्रेस को बनाएंगे। क्या लखीमपुर का जो था पूरा आंदोलन, उसको कहा कि ये किसानों का उपद्रव था, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उपद्रव तो क्या था किसानों का, किसान तो अपना आंदोलन कर रहे थे, बैठे हुए थे। अब वहाँ पे एक वो मंत्री है, कौन है, उसकी गाड़ी आई, उसने उन लोगों को कुचल दिया, तो उसमें तो उनका कोई दोष है नहीं। अब बाद में उन्होंने जो है उनको चुप करने के लिए 45-45 लाख रुपया दिया, सरकार ने एक नौकरी दी है उनको, और 10-10 हज़ार रुपया जो है जो घायल हैं उनको दिया है। तो वो तो एक जो है उनको चुप करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है ये, जबकि होना चाहिए कि जिसने ये बवाला किया है उसको तुरंत जेल भेजे और उसको बर्खास्त करें, अपने पद से हटाए। तो क्या लगता है कि ये सारा कुछ किस लिए था, ये लखीमपुर में जो इतना हुआ और उसके बाद मीडिया में जैसे बवाल मचा रहे और किसानों को ही गलत दिखाने की कोशिश चल रही है, क्या 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 किसे देख किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? ये किसानों का ये नज़र अब मतलब आंदोलन को हटाने के लिए निकल है भाई, इधर उधर करेंगे कि किसान अपने आप हट जाएंगे और कुछ नहीं है। तो चुनाव पर इसका भारी असर पड़ने वाला है? फिर चुनाव को तो पढ़ने वाला सीधा दिख रहा है, चुनाव को तो पड़ेगा ही, अगर लोग अगर हेरा फेरी नहीं हुई तो सीधा असर पड़ेगा जी। अगर हेरा फेरी से जीत गए तो जीत गए।
वैसे नहीं जीतते। अब इस क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र है इसको लेकर कुछ बात करते हैं। सर यहाँ से पहले 3 बार विधायक डॉक्टर शैलेंद्र रहे, वो फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और फिर भाजपा में शामिल हो गए। फिर उसी वक्त पे जो आदेश सिंह चौहान थे उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा और कांग्रेस में आ गए। तो अभी आपको क्या है, आगे जो आपके विधायक साहब हैं कैसा काम है उनका क्षेत्र में? विधायक में विधायक विधायक साहब तो सही है, बढ़िया है आदेश जी, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका तालमेल अच्छा है और जो उनके पास कोई जाता है अपनी समस्या लेकर के उनकी सुनते हैं वे, हाँ समाधान करते हैं, जबकि अभी तो उनकी सरकार भी नहीं बनी हुई है। अपना आगे भी इनकी यही जीतेंगे, ये बढ़िया आदमी है। शैलेंद्र मोहन तो लालच में जो है पार्टी छोड़ कर भाग गए, हमने जो शैलेंद्र मोहन को बनाया था कांग्रेस की वजह से ही बनाया था। तो अब उन्होंने हमारे तो कोई पानी भी नहीं पूछता था। शैलेंद्र क्या, शैलेंद्र के यहाँ पे ना कोई बैठने को करता था, अभी तो अपनी डॉक्टरी में लगे हुए थे, यहाँ तो तुरंत जाओ सामने जाओ और एकदम सुनते हैं बात को। तो इस बार रिपीट होने वाले? हाँ बिल्कुल रिपीट होने, तो पक्का उन्हें इन्हें कोई हराने वाला है ही नहीं, सारी पब्लिक इनके साथ है क्योंकि ये काम इतना अच्छा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है, अगर कोई दुखी है तो फौरन कितना भी काम है छोड़कर उसके साथ हो जाते हैं। ये बढ़िया काम करते हैं इसलिए आने ही हैं। हमारे यहाँ एक आर्य समाज बनाया है, अभी उन्होंने ही बनवाया है, कई साल से जो है ये पड़ा था हमारा धर्मशाला, हाँ पूरा कंप्लीट किया है, कई बहुत पैसा लगवाया उन्होंने, अभी अपना लगाया है उन्होंने। किसानों की समस्याओं को लेकर मुखर है? कि नहीं नहीं, ये किसानों के साथ हैं, किसानों की समस्या सुनते हैं, जरा सी भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमेशा साथ देते हैं। चीनी मिल है नांधी चीनी मिल, जरा सा भी कुछ होता ना तो तुरंत आते हैं वे। अच्छा। किसानों के साथ में। अच्छा। हाँ और यहाँ पे इतना भीड़ रहती है, जरा डाक कैसे काट दे हैं, चैन बंद हो जाती है, मिल बंद हो जाती है, किसान परेशान होता, कोई सुनवाई नहीं है। जिस दिन मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ बन गई उत्तराखंड में तो आदेश जी और ज्यादा अपना बहुत करेंगे इनको। हाँ बिगाड़ कर विधायक साहब से पूरी उम्मीद है? हाँ पूरी उम्मीद है। अच्छा सर आपके पास भी आना चाहूँगी, आप युवा हैं, क्या कुछ लगता है अपने विधानसभा क्षेत्र में कैसा विकास हो पाया है? बीजेपी के इसके क्षेत्र में तो बिल्कुल विकास हमें दिखाई नहीं है। अच्छा। भी इसने कुछ करके दिखाया नहीं है, बस चुप करके बैठे हैं अपनी सीटों पर, कुछ इन्होंने करके नहीं दिखाया है। हमारे यहाँ आदेश जी कांग्रेस से हैं, इन्होंने ऊपर गवर्नमेंट ना होने के कारण भी इन्होंने बहुत अच्छा अपना दिखाया है, इन्होंने करके अपना भी जो इन्होंने विकास किया है, अगर इनके मान लो ऊपर सरकार होती तो इससे और दुगना विकास करते, अगर इनकी आगे ऊपर सरकार आती है तो और ज़्यादा विकास करेंगे, अगर बाई चांस इनकी सरकार नहीं आती तो भी ये पूरे यानी कि अपने उस पर खड़े उतर रहे हैं, अपने जो वादा करते हैं वो इन्होंने करके निभाए हैं, करे हैं। और पिछली बार भी धान की तुलाई, गेहूं की तुलाई मंडी में नहीं हो पा रही थी, कम तुलाई कर रहे थे, चौहान साहब को पता चला, ये मौके पर पहुंचे उसी टाइम एसडीएम साहब को दरखास्त ली, उनके पास पहुंचे, पूरी तुलाई करवाई, हर किसान को जिसका नंबर टाइम पर था उसका नंबर लगवाया, सब कुछ बढ़िया करवाया इनको, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने उस पर। तो ये थी जसपुर विधानसभा की जनता की आम आवाज़, जिनका कहना है कि उनके विधायक साहब ने उनके लिए बहुत काम किया है, उनके क्षेत्र में विकास किया है, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। उनका ये भी कहना है कि प्रदेश में उनकी सरकार ना होते हुए भी उन्होंने क्षेत्र के विकास पर काफ़ी ध्यान दिया है। देखना ये होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में वो रिपीट करते हैं या नहीं, बल्कि यहाँ की जनता के मुताबिक तो वो रिपीट कर रहे हैं, बाकी तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा।